हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू सोरम बुज ब्लॉग। आपका मैं आपको फिर से स्वागत है। तो जी हाँ, आज मेरे रॉयल एनफील्ड का एक्चुअली करवाने वाला हूँ सर्विसिंग। सर्विसिंग नहीं है, एक मेजर सा प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए मैं उसको लेके जा रहा हूँ अपने गुतू भाई के पास। जी हाँ, मैं अपने गुतू भाई के पास उसको लेके जा रहा हूँ। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा टफ है समझ में कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो जो प्रॉब्लम है वो है इसमें, ये है फ्यूल पंप का नीचे वाला हिस्सा। जी हाँ, ये फ्यूल पंप का फुल हिस्सा नहीं है, फ्यूल पंप फुल नहीं है, फ्यूल पंप का नीचे वाला हिस्सा, ये टैंकी के नीचे जो होता है ये ऐसे जाके रहता है, और ये नीचे से बस इतना सा निकला हुआ रहता है, और ये वाला जो पाइप है ये जाता है डायरेक्ट कनेक्ट करता है इंजन का फ्यूल पंप करता है, पंप करके पहुंचाता है। तो इसके साथ एक और पाइप कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो पाइप इतना हार्ड है कि ये वाला पाइप हर बार टूट रहा है। आपको शायद देख के पता चल जाएगा, मैं करीब से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी सुबह 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 के बज रहे 7, और मैं अभी फटाक से आपको रास्ते पे दिखाता हूँ बाकी कुछ, कि गाड़ी में कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। और बहुत सारी चीज़ें मेजर प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो मैं वो आपको ऑन द गो पे बताता हूँ। अभी थोड़ा लेट हो गया हूँ, मैं निकलने वाला था एक्चुअली 6:30 बजे, लेकिन अभी 7:30 बजने चला है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो चलिए अभी सीधा मिलते हैं रास्ते पे रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 के ऊपर। बहुत दिनों के बाद मैं लॉन्ग राइड कर रहा हूँ, और मैं जाऊँगा, आज है रथ उत्सव, तो थोड़ा जैम भी होगा रास्ते पे। तो चलिए फटाक से मिलते हैं ऑन द गो पे रास्ते पे। इनको स्लो कर रहा हूँ या फिर रुकना पड़ रहा है, ये देखिए गाड़ी खींच भी नहीं रहा है, और ये देखिए झटका मार रहा है। उसके बाद अगर मैं RPM कम कर देता हूँ यानी रेस छोड़ देता हूँ तो गाड़ी बंद पड़ रहा है, जिसके वजह से मेरे को रेस देखे चलाना पड़ रहा है क्लच मार के। ये देखिए मैं रेस देखे बैठा हूँ, लेकिन क्लच मारने के गाड़ी स्लो कर रहा हूँ, तो चलाने में तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो ही रहा है। और आज तो जाम बहुत मिलेगा रास्ते पे, क्योंकि रात है, इसलिए मैं एकदम रिलैक्स में जा रहा हूँ अभी, क्योंकि रनिंग में ना ही मैं इमरजेंसी में ओवरटेक कर सकता हूँ ना ही कुछ। तो मैं सामने रुक के आपको दिखाता हूँ दो चार प्रॉब्लम, शायद मेरा क्लच प्लेट भी गया है, शायद, आई एम नॉट श्योर। रुक जाता हूँ एक मिनट के लिए, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं गाड़ी एकदम स्लो कर दिया, तो अभी बिना रेस देखे अगर छोड़ता हूँ ना, तो ये घट 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 करके साउंड कर रहा है और बंद हो रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम्स है, आपको दिखाता हूँ एक मिनट। तो इसमें देखिए ये वाला जो है, ये जो पाइप दिखाई दे रहा है आपको, ये पाइप की वजह से ये वाला पाइप टूट रहा है हमेशा। ये देखिए अभी भी थोड़ा फ्यूल तो थोड़ा सा अभी भी लीक हो रहा है, ये बहुत हार्ड है जिसकी वजह से ये पाइप टूट रहा है, और शायद मेरा क्लच प्लेट भी गया है, पीछे का चक्का भी बॉबल कर रहा है, सामने का डिस्क ब्रेक भी उतना काम नहीं कर रहा है। तो अभी भी मेरे को ऑलमोस्ट 70 किमी बाकी है अभी भी। चलिए देखते हैं, अभी मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से दिखाता हूँ कि गाड़ी छोड़ने के बाद कैसा हो रहा है। देखिए ये मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने अपना हेडलाइट जला लिया, अभी मैं इसको जब छोड़ रहा हूँ, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए नहीं खींच रहा है, समझ में आ रहा आपको। तो ये गाड़ी ये देखिए थोड़ा देर चलने के बाद उसको खींच रहा है, और मेरे को एकदम हाई RPM में चलाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअली ब्रेकिंग शायद उसकी वजह से कम हो रहा है, क्योंकि हाई RPM में मेरे को क्लच मारने के बाद ब्रेक करना पड़ रहा है। ये देखिए अभी भी गाड़ी खींच नहीं रहा है, सिर्फ टॉप गियर में जाके ये एक्चुअली थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है, लेकिन उतना स्मूथ नहीं हो रहा है। तो अभी मैं गाजल से कुछ देर पहले हूँ, गाजल घुसने के बाद हम लेंगे लेफ्ट,
खोदुबारी मोड़ से लेफ्ट नहीं, गाजल से लेफ्ट टूवर्ड्स बालूघाट, बालूघाट का रास्ता हम पकड़ेंगे। तो चलिए अभी ऐसे ही एडजस्ट करके जाना पड़ेगा। क्रॉस कर रहे हैं, ये खोदुबारी मोड़ है, तो ये चला गया मालदा की तरफ, फिर रायगंज, और ये हम जा रहे हैं ऊपर गाजल, जो गाजल से हम लेंगे लेफ्ट टूवर्ड बालूघाट। तो एक्चुअली दोनों बाइकों में ना एक ही सिमिलरिटी है, मैं दोनों बाइक जो चलाता हूँ, कावासी के वर्सेस और ये वाला, कि मैं ना जब भी ऑफ रोड देखता हूँ या फिर थोड़ा सा हल्का सा रास्ता ख़राब मिलता है तो मैं भगाता हूँ, बाकी सब बाइक स्लो करते हैं, मैं वहाँ पे भगाता हूँ। तो ये दोनों में मुझे को यही अच्छा लगता है, और बाकी इसका कुछ भी सिमिलर नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। ये एक्चुअली मैं लोकल के लिए लग रहा है, और ये सब रास्ते आने के वक्त शायद मैं पास में आऊँगा, मेरे को एक्चुअली ब्रेक जर्नी करना पड़ेगा, चार गाड़ी चेंज करना पड़ेगा मेरे को एक्चुअली। पहला तो है मेरे को तपोन से लेना पड़ेगा टोटो, उसके बाद तपोन से हम आएंगे गंगारामपुर ऑटो या फिर कुछ ऐसे कुछ चीज़ों में, और ये देखिए गाड़ी फिर से बंद पड़ रहा है स्लो करने से। तो उसके बाद आएंगे गंगारामपुर से हम आएंगे गाजल, गाजल से फिर हमको पकड़ना पड़ेगा अपने सामसी वाला बस, यानी मेरे को अभी आज फुल ब्रेक जर्नी करना पड़ेगा। तो अभी मैं ऑलमोस्ट तपोन घुस चुका हूँ, लेकिन मेरा गोप्रो का हो गया बैटरी डेड, शायद पानी घुस गया फिर से, और ये मैंने खोल के अभी रख दिया है। देखिए ऑन भी नहीं हो रहा है, बैटरी लगा हुआ है लेकिन ऑन नहीं हो रहा है। तो अभी चलिए अभी तपोन घुसते हैं ऐसे ही, उसके बाद देखते हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए घुतुबाई के यहाँ, यहाँ पे बहुत सारे जैम लगा हुआ है, अभी से रोथ मेला का स्टार्टिंग हो रहा है। तो मेरा कैमरा का बैटरी गया, इसलिए मैं फिर से मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। वाह, अरे सेल्फ ले लिया, मेरा सेल्फ तो अभी तक नहीं ले रहा था। तो एक्चुअली इसमें दो चार प्रॉब्लम हो रहा है जो मैं गुतु भाई को बोल दूंगा अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मेला बैठा हुआ है, मस्त मेला लगेगा, और हम ऐसे दिन पे आए कि पूरा जैम हो जाएगा। इसके बाद बाइक रेखे परिवेश नष्ट करो ना, पूरा पुलिस ही पुलिस हो चुका है। ये हमारे नीताई भैया है, इसको तो आप पहचानते होंगे जब भी यहाँ पे आते हैं। और हमारे गुतु भाई, अभी यहाँ से जाएंगे हम बस में, मेरा गाड़ी रहेगा, एक महीने बाद लेके जाएंगे। गुतु भाई को बोलेंगे तेल भरो और चलो। बाइक को अभी बाय बाय करने का टाइम आ गया, अभी हम जा रहे हैं चोड़ोंगी मोड़, वहाँ पे गुतु भाई हमको वहाँ तक छोड़ दे रहा है, उसके बाद वहाँ से जाएंगे गंगारामपुर, गंगारामपुर से गाजल, गाजल से अपने घर। ऑलमोस्ट तीन या चार ब्रेक जर्नी करना पड़ेगा। पहली बार मैं एक्चुअली इधर बस से जा रहा हूँ, कभी भी बस से नहीं आया हूँ, तो चलिए आपको उसका भी एक्सपीरियंस बोलेंगे। गंगारामपुर से मेरा जर्नी शुरू होता है अभी टोटो पे, ये देखिए मैं टोटो पे बैठा हुआ हूँ, अभी यहाँ से जाएंगे गंगारामपुर, उसके बाद देखते हैं कौन सा गाड़ी मिलता है। चलिए, तो फाइनली मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ, और एक्चुअली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन यहाँ का रेंट यानी कि भाड़ा देख के, सॉरी रेंट नहीं भाड़ा देख के, मेरा क्या बोले अभी 80 रुपीज़ में, सिर्फ ओनली 80 रुपीज़ में मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ। और अगर मैं यहाँ पे बाइक लेके जाता तो ऑलमोस्ट मेरे को 500 रुपीज़ का सिर्फ पेट्रोल ही लग जाता, तो खाना पीना अलग है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स, कीप सपोर्टिंग, देखते रहे मेरा चैनल, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।